ओके, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? फोर्थ सर? फोर्थ तक, फिफ्थ का तक कर फोर्थ? लिया था? नहीं, यस सर। फोर्थ नहीं, फोर्थ आपको करने के लिए बोला था, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। एनी डाउट? हाँ सर, कर लिए। एनी डाउट रेज योर हैंड इन थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्लास में कर लिया था। यस खुशी, वंदना सर, आई एम नॉट एबल टू डू इट। I have solved it, but further I am not able to. So may I show you in my notebook of? हाँ बेटा, WhatsApp कर देना, ऐसे यहाँ पे इतना clear visible नहीं होता, ठीक है? मैं third question करवा रहा हूँ, आप match कर लेना, अगर problem मिल जाए, otherwise मेरे को send कर देना, तो मैं उसको check कर लूँगा। Okay sir. This is tangent theta. अपॉन वन माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा अपॉन वन माइनस टेंजेंट थीटा। वी हैव टू प्रूव इट इक्वल्स वन प्लस सीकेंट थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट और कोटेंजेंट थीटा है। सबसे इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे साइन एंड कॉस में। सो टेंजेंट थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन माइनस कोटेंजेंट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोटेंजेंट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड इन द डिनोमिनेटर दिस इज वन माइनस टेंजेंट थीटा विच इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग एलसीएम, दिस विल बिकम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड इन डिनोमिनेटर दिस इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड इन डिनोमिनेटर दिस इज कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे, व्हेन वी सॉल्व दिस फर्दर, दिस विल बिकम साइन थीटा न्यूमिरेटर में चला जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो दिस विल बिकम साइन स्क्वेयर थीटा, बिकॉज साइन थीटा इंटू साइन थीटा दिस इज साइन स्क्वेयर थीटा, एंड इन द डिनोमिनेटर दिस इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। Any doubt? Any doubt in this step? Raise your hand. Any doubt? Now, plus, this will become cos theta into cos theta cos square theta divide by sin theta into cos theta minus sin theta. यहां तक किसी को डाउट हो, रेज योर हैंड। सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले उसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया है, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू साइन एंड कॉस हमने उसको क्या किया है, सॉल्व किया है, एलसीएम लिया है। नाउ यहां से इन दोनों को सेम बनाने के लिए वी टेक माइनस कॉमन फ्रॉम हियर, दिस विल बिकम साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, एंड इन द डिनोमिनेटर दिस विल बिकम साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉमन ले लिया यहां से, सो दैट एलसीएम जो है वो आ जाए। यहां पे जो एलसीएम अब आएगा वो दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दिस विल बी द एलसीएम। एंड नाउ चेक, दीज थ्री टर्म्स आर सेम, सो मल्टीप्लाई विद साइन थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा इन टू में साइन थीटा, दिस विल बिकम साइन क्यूब थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा इन टू कोस थीटा, दिस विल बिकम कोस क्यूब थीटा। एनी डाउट बेटा? साथ की साथ डाउट क्लियर कर लेना, क्योंकि इरेज करेंगे तो फिर बाद में ये मुश्किल हो जाएगा।
यहां तक एक बार समझ लो और नोट डाउन कर लो. नोट डाउन अप टू हेयर एंड इफ यू हैव डाउट देन आस्क. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू साइन एंड कोस. टेंजेंट इज साइन अपॉन कोस, कोटेंजेंट इज कोस अपॉन साइन. नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग एलसीएम साइन थीटा. दिस विल बिकम साइन थीटा माइनस कोस थीटा. फर्दर दिस विल रेसिप्रोकेट. साइन थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा. एंड देन दिस विल बिकम साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा. एंड इन द डिनोमिनेटर दिस इज साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा. अब हमने ये एलसीएम ये दोनों टर्म सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, नेगेटिव कॉमन ले लिया. सो दैट वी कैन टेक एलसीएम कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा. यहां तक डाउट? यस यस खुशी. सर हाउ वी हैव टेकन दिस एलसीएम आफ्टर. देखो बेटा एलसीएम में क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. कोस थीटा लिखो, साइन थीटा लिखो, यहां से ये दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख लो बस. जैसे हम 24 और 36 का जो एलसीएम लेते हैं, 24 और 36 का जो एलसीएम होता है वो कैसे लेते हैं, दिस इज 12 इंटू 2, दिस इज 12 इंटू 3. सो 12 कॉमन ले लो और 2 इंटू 3. वैसे यहां पे दिस इज कॉमन इन बोथ. सो राइट डाउन फर्स्ट दिस एंड राइट द remaining term. Here the remaining term is cos theta and here this is sin theta. Is it now clear, Khushi? Yes, sir. Now, this is a cube minus b cube. A cube minus b cube की identity क्या होती है? Yes, raise your hand if you know a cube minus b cube. Raise your hand, a cube minus b cube. Yes, Mahipal. Sir, a square b square plus 2ab and a plus b. Yeah. Yes, sir. Check kar lo. A plus b into a square plus b square plus ab. The signs minus square. कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. सर ए माइनस बी. ए माइनस बी. यस बी. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. यस कार्तिक. शिवांश. ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी. नोट बेटा ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. सो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा एज साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस ए बी. एंड इन द डिनोमिनेटर द सेम टर्म साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड इन ब्रैकेट दिस इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा. सो दिस विल गेट कैंसिल आउट. साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड दिस इज वन. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज वन. सो वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा एंड इन द डिनोमिनेटर दिस इज साइन थीटा कोस थीटा. नोट डाउन कर लो बेटा. ये नोट डाउन कर लिया लेफ्ट वाला. सो दिस इज वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा एंड इन डिनोमिनेटर दिस इज साइन थीटा कोस थीटा. हाउ डिवाइड बोथ. We will get 1 upon sin theta cos theta plus sin theta cos theta divided by sin theta cos theta.
and this is 1. Now 1 upon sin theta is cosecant theta and 1 upon cos theta is secant theta. Hence proof. We have to prove 1 plus secant theta into cosecant theta. Yes, Madhusudan. Sir. Yes. Sir, वो अपन साइन जो न्यूमेरेटर में ना 1 प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा कहाँ पे बेटा वो अभी सर जो आप प्रूव करने से जस्ट पहले किया था ना यहाँ पे नहीं नहीं ये 1 प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा स्टेप नंबर बोल दो बेटा इस लाइन में है वो स्टेप या इसमें नहीं जी इसमें इसमें लेफ्ट फर्स्ट स्टेप दिस इज सेकंड स्टेप दिस इज थर्ड स्टेप कौन से स्टेप में प्रॉब्लम फर्स्ट 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 तो ये तो बेटा यहां से आया देखो साइन थीटा यहां से कट गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया एंड यस सर साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज नहीं सर अपन साइन वो साइन थीटा और कॉस थीटा को काट भी सकते हैं ना कट कर सकते हैं यहां से ऐसे नहीं नहीं सर ऊपर वालों को साइन थीटा इनटू कॉस थीटा हाँ यही कह रहा हूँ कि ये ऐसे काट सकते हैं नहीं नहीं सर सर न्यूमिनेटर में है ना साइन थीटा इनटू कॉस थीटा उन दोनों को भी तो काट सकते हैं बेटा समझ नहीं आ रही आप कौन से किस स्टेप की बात कर रहे हो यहाँ पे जहां जहां मैंने कट किया है वहां वहां सही लिखा हुआ है अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हाँ सर ये लिया है ना आपने ये दोनों ये जो एलसीएम में तोड़ दिया है ना सर हाँ सर इसके तोड़ने से पहले सर साइन थीटा और कॉस थीटा को अपन ऊपर वाले को कट कर सकते हैं ना नहीं बेटा डायरेक्ट नहीं कट कर सकते वो डिवाइड होंगे सेपरेटली ओके सर वन के साथ वो अलग से डिवाइड होगा और साइन थीटा कॉस थीटा के साथ अलग से अगर ये ना होता वन प्लस ना होता फिर कट जाते लेकिन अब यहाँ पे वन प्लस में भी है ओके सर एनी अदर डाउट नो सर नोट डाउन कर लो ये कार्तिक खुशी म्यूट कर लो बेटा महिपाल क्वेश्चन फिफ्थ के फोर्थ पार्ट में बेटा बेटा ये मैं करवा देता हूं अभी एक बार इसको नोट डाउन कर लो सर यस कुछ हाँ यस सर ये 1 प्लस कोसेक थीटा और सेक थीटा कैसे आ गया देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेकेंट थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेकेंट थीटा यस सर वहां से ही इसको लिखा मैंने डायरेक्ट और तो प्लस कैसे आया ये यस सर तो ये तो बेटा यहां से आया देखो साइन थीटा प्लस इनटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इनटू कॉस थीटा ये 1 बन जाएगा ना यस सर तो उसको ये वाला 1 यहां पे लिखा हुआ है अच्छा ठीक है ठीक है नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन दिस इज 1 प्लस सेकंड ए एंड इन द डिनोमिनेटर दिस इज अगेन सेकंड ए
सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू साइन कॉस. This is 1 plus secant A, and in denominator secant A, prove this is equal to sine square A upon 1 minus cos A. So first of all, convert into sine cos. Now 1 plus secant A is 1 upon cos A. Now taking cos A LCM, this will become cos A plus 1, and in the denominator this is cos A, 1 upon cos A. ये second step पे complete. This is first step. First step में हमने simply उसको क्या किया, cos और sin में convert किया है, और second step पे उसको LCM लेके solve किया है. Next, this cos A will get cancel out with this, and we left with cos A plus 1. अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसी को सॉल्व कर लो और इसके इक्वेट कर दो, या फिर यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करो. यहां पे साइन स्क्वायर होना चाहिए. यस, दिस इज साइन स्क्वायर, क्योंकि विदाउट साइन स्क्वायर ये कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा. देखो मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, आपको जो बेस्ट लगे उसको सॉल्व कर लेना. टू कन्वर्ट साइन स्क्वायर, हेयर दिस इज ओनली कोस ए, हेयर दिस इज साइन स्क्वायर, सो कन्वर्ट इन टू कोस. साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. आफ्टर दिस राइट डाउन, टेकिंग राइट हैंड साइड, साइन स्क्वायर को पहले कॉस ए में कन्वर्ट करेंगे, कि यहां पे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है दैट कंटेन ओनली कॉस ए. सो साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सो दिस इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी, a minus b into a plus b. So this will get cancelled out and be left with only 1 plus cos a. Hence left hand side is equal to right hand side. अगर आप right hand side लोगे तो वहां से simply दिख रहा है कि left hand side में हमने सिर्फ cos a की term में use किया है, and in the right hand side there is sin square a. So convert into cos square a. Is it clear? ऐश्वर्या क्लियर है बेटा? यस सर. यस कार्तिक, कार्तिक यस सर क्लियर. अब दूसरा जो जो सेकंड मेथड है दैट इज, अब यहीं से इसको सोचो कि ये मुझे डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस ए लेके आना है, तो डिनोमिनेटर में अगर मुझे 1 माइनस कोस ए लेके आना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So multiply in numerator by 1 minus cos A and same in denominator. Multiply and divide by 1 minus cos A. So in the upper, in the numerator, this is A minus B into A plus B. So again it will become A square minus B square. That is 1 minus cos square A. And we can write 1 minus cos square A as sin square A. And in denominator, this is as it is 1 minus cos A. So aapko jo method sahi lag raha hai, waise kar lo. ये जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें अपने तरीका कुछ भी लगाओ, लेकिन राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. यस महिपाल, कार्तिक अगर आप बायो लेते हो तो मैथ्स कंपलसरी नहीं होता, लेकिन आप एडिशनल रख सकते हो. प्लस वन में अगर आप बायो लेते हो तो मैथ्स कंपलसरी नहीं है, लेकिन एडिशनल अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो. लेनी नहीं है, लेना ही नहीं है. वेरी गुड. क्या करना क्या इसके बाद? यस कार्तिक. यस सर. करना क्या है आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन? जॉब किस चीज की चाहिए? डॉक्टर. डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए कोई एग्जाम भी होता होगा? यस एमबीबीएस. तो उस एग्जाम में सिलेबस क्या आता है? तो वो 10th के बाद देखेंगे ना, नीट करेंगे तब. हाँ, तो ये अब जब बाद में देखोगे ना तब उसके बाद सारी मतलब वो जो बेस होता है
अब मैं बताता हूँ, काफी लोग चाहते हैं कि मैथ्स ना करना पड़े तो आईएएस करेंगे, आईएएस बनेंगे तो आर्ट्स लेंगे, लेकिन अगर आप वहां पे जाओगे तो एक सी सेट का एग्जाम होता है, मतलब एप्टीट्यूड का एग्जाम होता है। तो एप्टीट्यूड होता है कि आपका 10th तक का सिलेबस होता है। कुछ एक बच्चों का जो ड्रीम जॉब होती है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, ऑफिसर बनना है, आईटीओ बनना है, तो वहां पे भी अगर सेम एग्जाम में जाओगे तो वहां पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज मैथ, फर्स्ट से लेके 10th क्लास तक का मैथ, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लेकिन उसकी जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो सारी की सारी प्लस वन और प्लस टू के मैथ्स में है। यस खुशी, यस खुशी, सर व्हाट इज रिटन इन द लास्ट इन दिस साइड This is 1 plus cos A. बेटा यहां से मैंने दो मेथड बताया, इस स्टेप के बाद दो मेथड है। एक तो ये है टेकिंग राइट हैंड साइड एंड सेकेंड इज कंटिन्यूस टू सॉल्व दिस लेफ्ट हैंड साइड। cos A प्लस 1 में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 1 माइनस cos A से और डिवाइड भी किया 1 माइनस cos A से। तो दिस इज 1 माइनस cos A एंड इन द डिनोमिनेटर दिस इज 1 माइनस cos A। समझ आ गया बेटा? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। फिफ्थ क्वेश्चन, कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन। सर, यस सर, बट इन दी इन दिस क्वेश्चन वन प्लस मींस हाउ वी विल गेट साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस। देखो बेटा, दिस इज ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, वन माइनस कोस स्क्वायर ए, और वन माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के। साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल्स कोसेकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेकेंट स्क्वायर। देखो, अब मेंशन कर दिया कि आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, तो उस आइडेंटिटी को बनाने के लिए आपको चेक करो कि किस चीज से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो, कोस ए को अगर मुझे कोसेकेंट बनाना है तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, कोस को कोसेकेंट बनाना पॉसिबल नहीं है। सो जो कोसेकेंट वो कैसे बनेगा, वन अपॉन साइन। अगर मैं सारी इक्वेशन को साइन से डिवाइड करता हूं, इफ आई डिवाइड द होल इक्वेशन बाय साइन, विल इट बी कन्वर्ट इन टू कोसेकेंट एंड कोटेंजेंट, चेक इट। कोस अपॉन साइन दैट इज कोटेंजेंट, साइन अपॉन साइन दैट इज वन, एंड वन अपॉन साइन कोसिकेंट। तो यस, ये कन्वर्ट हो जाएगी कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट में। सो फर्स्ट स्टेप विल बी डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोसिकेंट, डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन, साइन से डिवाइड कर दो बेटा, फर्स्ट स्टेप में साइन से डिवाइड कर दो, न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। डिवाइड करो साइन से, मैच करो। फर्स्ट स्टेप यही आया आपका, मैच द फर्स्ट स्टेप।
देखो अब यहाँ पे है कोट ए प्लस कॉसिकेंड ए, कोट ए प्लस कॉसिकेंड ए प्लस वन। अगर आइडेंटिटी बनानी है, हमारे पास जो आइडेंटिटी थी वो थी कॉसिकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वेयर थीटा इक्वल्स वन। तो या तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कि इस वन को यूज करें। हम इस वन को अगर यूज करते हैं, वन पे अगर आइडेंटिटी लगाते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, तब हम सॉल्व कर सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन, द वन हियर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ वन इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। वन इज इक्वल टू कोटेंजेंट ए, ये मैं प्लस कोसिकेंट ए एज इट इज, नाउ माइनस वन, एंड द वैल्यू ऑफ वन इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में एज इट इज कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस वन। नाउ दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस इज कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, माइनस अगर अंदर जाएगा तो दिस विल बिकम कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, सिंबल चेंज हो जाएंगे। डिनोमिनेटर दिस इज कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस वन, and after this taking making the identity a square minus b square, a minus b into a plus b, so this is cot a plus cosecant a plus, yahan pe beta a kar lena, this is a, cot a minus cosecant into cot a plus cosecant a, and in denominator again this is 1 plus cot a minus cosecant a. yahan in dono se cot a plus cosecant a common aayega, to yahan pe 1 plus cot a minus cosecant ho jayega aur wo denominator wale se cancel out ho jayega. solve karo beta isko, सोल्व करो, एलसीएम लो, सॉरी कॉमन लो कोट ए प्लस कॉसिकेंट, तो वो डिनोमिनेटर वाली सेम टर्म बन जाएगी। खुशी सोल्व करो बेटा, खुशी सोल्व करो, यस कार्तिक सॉल्व हो गया, करो महिपाल, आयुष्मान सर वो लास्ट में क्या लिखा हुआ है सर, कहाँ पे बेटा सर, कोट ए प्लस कोसा के रूट, यहाँ पे यस सर, यहाँ पे बेटा आइडेंटिटी ओपन की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। समझा करो बेटा, नोट डाउन करने से अच्छा पहले समझ लिया करो कि आइडेंटिटी ओपन किया तो अपने आप भी लिख सकते हो। यस आयुष्मान सॉल्व हो गया, यस खुशी, यस अवनी, यस सर सॉल्व हो गया मेरा। यस सिंपली क्या किया हमने, यहां से एलसीएम लिया और एलसीएम लेते ही ये चीज डिनोमिनेटर वाली सेम टर्म बन जाएगी न्यूमिनेटर में, और कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट आ जाएगा। यस महिपाल
सॉल्व हो गया? नो सर। करो बेटा। वंदना डन? यस सर। गौरी प्रमोद सॉल्व हो गया बेटा? किसी को डाउट हो बेटा? यस मोहित। लास्ट तक सॉल्व नहीं हो रहा। सॉरी लास्ट तक सॉल्व नहीं हो रहा। लास्ट स्टेप सॉल्व भी हो रहा तो बेटा लास्ट स्टेप भी तो करने के लिए बोला है मैंने। यहां तक कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए को कॉमन आउट ले लिया। सो हेयर दिस इज कॉमन आउट, सो वी लेफ्ट ऑफ दी विथ वन एंड इन दिस स्टेप दिस इज कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए एंड इन डिनोमिनेटर दिस इज कोटेंजेंट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस वन। ये एज इट इज है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोटेंजेंट ए प्लस कॉसिकेंट ए, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। खुशी देखो कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने ये चेक किया कि उस स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी। देखो एग्जाम में फाइनल जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें नहीं मेंशन होगा कि आपको इस आइडेंटिटी से करना है, तब आप अपनी मर्जी से किसी भी आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उसने पर्टिकुलरली बोला है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी को यूज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहले कोशिश की कि कोसिकेंट में कन्वर्ट कर ले, सो कोसिकेंट में कन्वर्ट करने के लिए साइन से डिवाइड करना कंपलसरी था। तो कॉस अपॉन साइन कोटेंजेंट, साइन अपॉन साइन वन, वन अपॉन साइन कोसिकेंट। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर दिस इज कोटेंजेंट ए प्लस वन माइनस कोसिकेंट ए। फिर चेक किया कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी कैसे बने, तो दो ऑप्शन थे, या तो हम किसी से मल्टीप्लाई करें, लेकिन मल्टीप्लाई करने से इजी लगा कि हम वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं न्यूमिनेटर में, सो दैट यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगी, तो ये वाली चीज कहीं ना कहीं कॉमन आएगी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि कहां से ये कॉमन आ सकता है। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करने के बाद हमने यहां से कॉमन ले लिया, सबसे पहले ये माइनस सॉल्व किया और फिर कॉमन लिया कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए। यस खुशी। अब क्लियर है बेटा? यस सर। बेटा दोबारा भी पूछ लिया करो अगर नहीं समझ आता तो। ओके सर। ठीक है, आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, फाइव क्वेश्चन रहते हैं, फाइव क्वेश्चन।